पर GOAIT पोस्ट कोड 817 और बाकी रिजल्ट से संबंधित हम देना चाहेंगे, क्योंकि पोस्ट कोड 817 को लेकर तो अगली कैबिनेट में डिसीजन होगा, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो हालात भी कुछ दिन पहले बने थे, पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे और आश्वासन भी इन्हें क्योंकि सुखू सरकार ने दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक इससे पहले राज्य चयन आयोग को फंक्शन करने के लिए भी अब फैसला ले लिया गया है। दरअसल अभी वहां पर क्योंकि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए अब ये एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी, चेयरमैन की नियुक्ति हो सके और जल्दी ये पद फंक्शनल हो सके। अभी खाली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही है, लेकिन अब एक और नई पोस्ट क्रिएट होने जा रही है चेयरमैन की। जब चेयरमैन वहां बैठेंगे तो ये जो राज्य चयन आयोग है फंक्शनल हो जाएगा, ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से इसकी बहाली हो जाएगी और प्रक्रिया वहां पर शुरू होगी। ये इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तो ये रिप्लाई दे दिया है कि ऐसे पोस्ट कोड जिस पर FIR दर्ज है उनका रिकॉर्ड वो नहीं लेने वाले हैं। तो लाजमी सी बात है वो उन पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे जिन पर FIR दर्ज है। तो इसके बाद अब राज्य चयन आयोग को ही इन पोस्ट कोड को लेकर जिम्मा दिया जा सकता है और इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी अब फंक्शनल करने की बात हो रही है और चेयरमैन की नियुक्ति बहुत जल्दी अब इसमें होने वाली है, इसीलिए ये पोस्ट एक तरह से क्रिएट हो चुकी है। तो ये हम जानकारी लेकर आए थे क्योंकि अगर GOAIT पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को घोषित करने पर जानकारी भी अगले कैबिनेट में सामने आती है तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुरंत प्रभाव से जैसे ही चेयरमैन बिठाए जाएंगे राज्य चयन आयोग में तो वो इसमें सबसे पहले शायद इसी भर्ती में रिजल्ट घोषित करने का काम करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे।